बिगिन आवर क्लास। ओके बाय चैंटिंग ओंकारम 3 टाइम्स। सो ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड चैंट ओंकारम विद मी। आई विल जय गाइड राम यू सर। टुडे टुडे सेशन। ओके बेटा, सो बिफोर आई बिगिन लेट मी प्रिंट माय स्क्रीन। सो यू गो द मॉनिटर, यू कैन सी वेदर यू कैन सी द स्क्रीन और नॉट। इफ नो नॉट सर। देन कॉल टू मी। ओके सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ सर इट्स ऑल विजिबल नाउ। ओके बेटा, लेट अस रिकॉल व्हाट एवर वी हैव स्टडीड सो फार। ओके सो no modes of nutrition in plants, है ना? I am trying to show you through data class A, right? You can see the screen. अच्छा, sound कम ज़्यादा होगा यस तो सर। बताना मुझे बेटा। ओके सर। Taking time. Okay, I'm logged in. What happened? I'm logged in. It's taking time. So far, let us learn through the for one till then. So you are asking about again to explain photosynthesis, no? Some of you? Yes, sir. Just see to it, beta. है ना? Photosynthesis, the process of, this is the simple definition of photosynthesis. This one, the process of making of food by green plants in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. In this process, two more things are required, that is carbon dioxide and water. Okay, so here is the chemical equation. You can see here, you can see my cursor. Let me show the pointer. Yeah, CO2 plus H2O, and in the presence of sunlight and chlorophyll, these two combine to form carbohydrate. Simple sugar hai ye, C6H12O6. It is called glucose actually. And beta, in the beginning, single molecule of glucose is formed, and when many glucose molecules join together, they form complex carbohydrate, and oxygen gas is given out. Okay, it is not balanced. इसको balance करते हैं दोनों तरफ iron beta, दोनों तरफ number of atoms बराबर होने चाहिए. इसलिए हमें आपने देखा था, जब मैं पढ़ाया था, मैंने तो six लगाया था यहाँ पर, यहाँ six लगाया था और यहाँ पर six लगाया था. देखा था आपने? सर इक्वेशन किस काम की होती है? हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ मैं, उसी पर उसी पर आते हैं. ठीक है, इक्वेशन किस काम की होती है ना? या इक्वेशन तो अभी तक दोबारा मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसमें. ठीक, टाटा क्लास पेज में इससे लॉग आउट करके तो क्या होगा, चालू हो जाएगा ना? चलिए चालू होगा ये, है ना? दोबारा लॉग इन में कर लेता हूँ इसको. देखो बेटा, है ना, इक्वेशन जो होता है ना बेटा, इन इक्वेशन एक्चुअली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, सर्टेन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट, दे कंबाइन टुगेदर, दे रिएक्ट टुगेदर एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड. ठीक है बेटा. एंड सपोज आपने एक मैग्नीशियम का वायर लिया, है ना, और इसको ऑक्सीजन में जलाया. दिवालिंग करते हैं ना, जलाते हैं ना, तो यस जलने के बाद
एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दीज टू है ना सब्सटेंसेज रिएक्ट टुगेदर एंड दिस इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होता है। ठीक है चलिए, यस सर। मैं इतना सारा लिखूं, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मड, इतने की बजाय मैं इतने छोटे में एक्सप्लेन कर सकता हूं उसको। अब क्या होता है देखो बेटा, इसमें इन सब का अपना एक मास है, सबका मास है, तो जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया उतना ही मास आफ्टर द रिएक्शन बनेगा, है ना। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन Neither mass is added nor it is deducted. ना कुछ ज्यादा बनता है ना कुछ कम बनता है, उतना ही बनता है बेटा जितना आपने लिया, है ना। तो उसके लिए नंबर ऑफ आइटम्स को बराबर करते हैं। देखो मैग्नीशियम कितना आइटम यहाँ पर है, ओनली वन, कुछ लगाने का वन है, मतलब इधर ही मैग्नीशियम देखो वन है। ऑक्सीजन कितना है लिखा हुआ है, एक कोई बात करूँ उससे, डबल नहीं है विधांश। ओ टू लिखा हुआ है, यानी दो आइटम है, इधर कितना है एक ही आइटम इधर है, तो इसको बैलेंस इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, नहीं तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे ये H2O है ना, अगर मैंने यहाँ पर H2O2 कर दिया तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ये वाटर है। तो ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदल सकते हैं। वन मॉलिक्यूल है, यहाँ हम टू लगा सकते हैं, थ्री लगा सकते हैं, दो लगाया हमने तो ऑक्सीजन दो आइटम हो गया, तो मैग्नीशियम भी दो हो गया, तो मैग्नीशियम को दो करना पड़ेगा, यहाँ दो लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स बोथ साइड इक्वल हो गया, इट इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अदरवाइज इसके पहले क्या था, अनबैलेंस था ये। ठीक है सर, वो अलग हो जाएगा। हाँ, हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में और एक चैप्टर हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वहां पर हम इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे लिखते थे हम लोग, CO2 प्लस H2O और यहाँ एरो लगाएंगे, एरो पे क्या लिखेंगे, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, सर एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब सर फिर उसका प्रोडक्ट, हाँ सेपरेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, बिफोर एरो रिएक्टेंट्स आर देयर, रॉ मटेरियल्स है, आफ्टर एरो न्यू सब्सटेंस फॉर्म प्रोडक्ट है, इसलिए एरो लगाते हैं बीच में सेपरेट करने के लिए, क्या क्या आपने रिएक्शन करने के लिए शुरू में लिया था, क्या क्या नई चीज बनी। ठीक है तेरी, यस सर। हाँ, C6H12O6 अच्छे से लिखना बेटा, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, प्लस O2 है ना, ये है अभी अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है अभी है। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, क्यों बैलेंस नहीं है, अभी सब हम एटम को काउंट करके दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये है और टू ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर कौन कौन से एटम है, देखो एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तीन तरह का एटम इधर कंबाइन हो रहा है, दिख रहा है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं काउंट करते हैं, राइट हैंड साइड में भी काउंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बिफोर एरो, आर्थ मतलब आफ्टर द एरो, इधर काउंट करते हैं, इधर कार्बन काउंट करते हैं, कितना आइटम है, ओनली वन आइटम इधर है। ठीक है बेटा, इधर काउंट करें तो कितना है, देखो सिक्स है, यहाँ सिक्स है, इधर छह है, नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन है, कार्बन सी मतलब कार्बन। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर टू लगा दो, टू और इसमें भी एक है, तो टू प्लस वन थ्री। ठीक है, और इधर देखें, यहाँ पर छह है, यहाँ पर दो है, आठ, इधर एट है। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो, इधर दो है, इधर काउंट करो, ट्वेल्व है, देखा आपने, तो ये अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो हमने यहाँ पर कार्बन छह है, यहाँ एक है, यहाँ छह लगा दिया, तो कार्बन भी छह हो गया हमारा। ठीक है, तो कार्बन तो पूरा हो गया, लेकिन इसके वजह से ऑक्सीजन कितना हो गया,
अच्छा हाइड्रोजन देखो कितना 12 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर 6 लगा दें तो कितना 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 12 और 6 1 6 18 हो गया, इधर अब 18 हो गया, और इधर देखो ऑलरेडी 6 है तो कितना घट रहा है 12 और घट रहा है, तो 6 लगा दो यहाँ पर, अब ये दोनों तरफ बराबर हो गया देखो ऑक्सीजन। तो जब हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का, क्या लिखोगे 6CO2 + 6H2O एरो सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 लिखोगे, ठीक है। यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट नहीं, सीखे सीखे नहीं तो फिर आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, वर्ड में क्या लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो सनलाइट क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बस, ठीक है। है ना, नोट डाउन एनी क्वेश्चन है ना बेटा इन बिटवीन एंड आस्क मी एट द एंड। एंथिम्स विल टेक इन रेडीमेड फूड अनलाइक प्लांट्स, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड देयरफॉर आर रेफर्ड टू एज ऑटोट्रॉप्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू देयर लीव्स and draw water through their roots to produce both glucose and oxygen. All green plants exhibit autotrophic nutrition. Animals, on the other hand, are heterotrophic organisms, requiring ready-made organic and inorganic compounds as food. Heterotrophic nutrition can be further divided into three types: holozoic, saprozoic, or parasitic. Note down any term which you come across which you do not know, note down. Okay, beta? Nuba, Vedans, and all other. Any term, jaise mila holozoic, note down kar lo usko. Hai na? Holozoic nutrition is a typical animal-like feeding. Let's observe holozoic nutrition in an amoeba. An amoeba will feed on algae and bacteria. As it moves towards the food particle, it will enclose it with its pseudopodia. A food vacuole is formed around the particle, and digestion occurs within the food vacuole. While the digested food is absorbed, the undigested waste will be ingested. Although we ingest it far differently from the amoeba, humans are also holozoic organisms. Saprophytic nutrition is the process by which food is obtained through absorption from dissolved organic material. Mucor fungus will produce filamentous strands known as hyphae that will penetrate the substratum. At the tip of the hypha, vesicles containing digestive enzymes will open out, releasing the enzymes onto the substrate outside the hypha. These enzymes will break down and digest the macronutrients into simpler forms for absorption. The now fluid-like digested food will finally be absorbed into the hypha. Mosquitoes are well-known examples of parasitic nutrition. They pierce the host, which allows them to then suck the host's blood. While a mosquito is an ectoparasite, living on the outside host, there are several endoparasites.
सर दिव्य और धवल बोल रहे हैं कि वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। हाँ जी, आप सर आ रहे दिव्य हैं? और धवल बोल रहे हैं कि वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। आप आ रहे हैं? यस सर, मुझे तो वॉइस ठीक आ रही है। क्लियर। ठीक है बेटा, तो उनके नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। समरी, ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। ओके बेटा, सो नाउ कम टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो यू हैव सीन इट, है ना? ये है ना ग्रीन प्लांट। सो यू नो नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Okay, so far we have studied about autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition, we learnt about saprotrophic nutrition. Any question about saprotrophic nutrition? No, sir. No, sir. No, sir. Yeah. So next, after saprotrophic, a saprophytic word comes. So other is called parasitic nutrition. Okay, parasitic nutrition. Okay, note down the mode of nutrition in which an organism derives, means gets nutrients from other organism, and also harm it is called parasitic nutrition. Sir, हाँ बोलो। Sir, ये भी heterotrophic nutrition का part है। हाँ, अलग अलग, क्योंकि खुद तो खाना बना नहीं सकते बेटा। All heterotrophs, they cannot prepare their own food. They take in from plants in different form, either directly or indirectly. ठीक है बेटा, तो हेटरोट्रॉप्स अलग अलग तरीके से फूड अपना लेते हैं। एक देखा आपने सेप्रोट्रॉप्स, वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं फूड अपना। ठीक है, एक दूसरा एक ऐसा बंदा है जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है, फूड लेता है और उसको नुकसान ही पहुंचाता है, वो कहलाता है पैरासाइट। ठीक है बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो हार्म इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। देखिए प्लांट में अमर बेल है, जो कस्कुटा प्लांट में बोलते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो हार्म्स इट इज कॉल्ड होस्ट। तो आप देखिए ये कौन सा पौधा है, जो भी पौधा है उसके ऊपर ये अमर बेल फैला हुआ है, तो ये क्या करता है, इस पौधे से सारा न्यूट्रिएंट पौधा बेचारा तैयार करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना फूड, और उसको ये सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको उल्टे बेचारा ये प्लांट जो है मुरझा जाता है, तो उसका फूड ही नहीं बचता और मर जाता है धीरे धीरे करके, और ये सारा लेता है। एक तो खुद फूड भी ले रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? यस सर, डाउट। हाँ बोलो डाउट। सर ये जो कुछ प्लांट है ये सर आता कहाँ से पेड़ के ऊपर? ये कसकुटा प्लांट ऑलरेडी हमारे पास एनवायरमेंट में है, हवा से उड़ करके ये बिल्कुल सूख भी जाएगा बेटा तब भी ये मरता नहीं है, अमर है, नाम अमर बेल है, अमर है ये, बिल्कुल सूख जाएगा, कहीं फेंक दो, जब तक इसको आग लगा के जला नहीं दोगे ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा, जैसे कोई हरा हरा पेड़ पौधा हो जाएगा ये तुरंत खुद येलोइश कलर से धीरे धीरे ग्रीनिश हो जाता है, और फिर उसके पौधे का न्यूट्रिएंट उसमें लिपट जाता है, ये पूरा जो है ना इसके स्टेम को इसके ब्रांचेज में लिपट जाता है बिल्कुल, और न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल खींच लेता है खुद, और खुद बड़ा होता रहता है और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर अदर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप्स, वन सच प्लांट्स आर इंसेक्टिसाइड्स। सर अमरबेल, अमरबेल होता है सर, यही न्यूट्रिशन है। अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल बोलो सर, यही है न्यूट्रिशन। ये अमरबेल है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसमें होता है। अमरबेल ये जो पीला पीला दिख रहा है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अमरबेल जो फैला हुआ पूरा है, अमरबेल बोलते हैं। सर बहुत सारे ट्रीज के ऊपर अमरबेल उग जाती है। आप तो देख सकते हो, आगे कभी निकलोगे बाहर तो दिखाई देगा, अगर स्कूल आओगे ना, स्कूल आने के दोनों रास्ते में जो हेजेस लगे हैं ना उसके ऊपर बहुत सारे फैले मिलेंगे आपको। ये इसको हटाना है, हटा करके या तो इनको जला दो तभी खत्म होते हैं, नहीं तो फिर आपने फेंक दिया तो जैसे ही हवा से उड़कर कैसे भी पेड़ पर आएगा फिर जिंदा हो जाता है। ठीक है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन एग्जांपल है प्लांट में। अभी कुछ और दिखाऊंगा मैं, एनिमल में भी दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड पैरासाइट। सो अमरबेल इज कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, दूसरा एक न्यूट्रिशन का तरीका है हेटरोट्रॉफिक में, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दोज ग्रीन प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट्स, ऑल्दो दे आर ग्रीन, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस,
लेकिन इनमें क्या होता है बेटा कि जिस मिट्टी में उगते हैं ना वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। और इंसेक्ट जितने इंसेक्ट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, और प्रोटीन का मेन कंटेंट नाइट्रोजन होता है, तो उसी को नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, लेकिन मजबूरी क्या इसकी है, इसको नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस सॉइल नाइट्रोजन की कमी, हाँ, उसको फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को पकड़ के खा लेता है। यस बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल पिचर प्लांट। अभी पिचर प्लांट कैसे करता है इसको देखिए, ये देखो पिचर प्लांट का तुम्हारे बुक का डायग्राम है, ये डायग्राम को बनाना है, आपको भी कॉपी में बनानी है। इसका जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और एक पिचर एक घरे जैसा बन जाता है, ये जग की तरह बना लेता है, लीफ को मोड़ लेता है ये, और एपेक्स जो लीफ का होता है वो लिड जैसा बन जाता है, ढक्कन जैसा बन जाता है, ठीक है। जैसे ही ये किसी इंसेक्ट को आस पास देखता है तो ये लिड पे बैठता है, तो लिड को बंद कर लेता है। ध्यान से देखिए, इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये लीफ इसका है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। ये लिड जैसा है, इसे बंद होता है, खुल भी जाता है, ठीक है। इन साइड द पीचर, अब इसके अंदर देखो लीफ जो मॉडिफाइड है, इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, और हेयर जो होते हैं दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसके अंदर हेयर्स होते हैं, और हेयर कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे हेयर होते हैं, पूरे बहुत सारे हेयर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो ये जो कीड़ा है, इंसेक्ट जो है, जैसे ही इसके अंदर आता है तो निकलने कोशिश करता है, और हेयर से टकरा टकरा कर नीचे चला जाता है, और नीचे और नीचे अंदर चलाता है, ऊपर निकल नहीं पाता फिर, है ना सर। हाँ, देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज, लिड बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, इंसेक्ट फंस जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस लीफ के इनर पार्ट से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, जैसे आप रोटी मुंह में लेते हो और चबाना शुरू करते हो, तो आपके मुंह में ही सलाइवा एक ग्लैंड है जिसमें सलाइवा निकलती है। सलाइवा में भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, और उसमें थोड़ा सा हमारा जो स्टार्च है वो तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही ये लीड के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जिसमें इंसेक्ट बेचारा डिजॉल्व हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब बोलो धवल। यस सर। सर जैसे जैसे आपने जो लीड पे अगर कोई इंसेक्ट बैठा फिर जो फिर अंदर जाएगा तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा। नहीं यार, ये हेयर है ना, हेयर में एंटेंगल फंस जाता है और लिड बंद हो जाता है, कैसे बाहर निकलेगा, इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता। सर वो जैसे कोई अंदर मर जाता है तो फिर कहाँ से बाहर निकल, सर नहीं निकलता सर, एक डाउट है। एक मिनट रुको, अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जिसमें इंसेक्ट डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद में न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ यस सर। इसमें कोई सर सिग्नल देने वाला पार्ट सर, मुझे जैसे इंसेक्ट लीड पे बैठता है वैसे उसको सिग्नल मिलता है तो वो बंद कर लेता है, ऐसा कोई पार्ट है क्या? नहीं, अलग से कोई पार्ट नहीं। अब आइए, अभी तक आपने देखा सेपरेट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा। क्या क्या देखा आपने? एक तो देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉप जो कहलाते हैं अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा आपने देखा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आपने देखा, एक बताया मैंने सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, फिर मैंने बताया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक बताया इंफेक्टिवरस प्लांट्स दे आर पार्टली ऑटोट्रॉप एंड पार्टली हेटरोट्रॉप, ठीक है। इनकी मजबूरी है, ये क्यों ऐसा करते हैं वो मैंने बताया। अब आगे देखिए, अभी सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट जोर से बोलो सर। सर अगर वो पिचर प्लांट या फिर कोई भी इंसेक्टिवरस प्लांट होता है वो
इंसेक्ट्स को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन क्या सर वो अगर हम लोग अपना हाथ डालेंगे तो क्या वो हाथ को भी कोई नुकसान पहुंचाएगा? इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं होता कि तुम्हारे हाथ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। अब तुम्हारा हाथ आधा बाहर आधा अंदर रहेगा तो पूरा तुम अंदर चले जाना, उसके बाद देखना क्या होता है। इंसेक्ट और हम में अंतर है ये बताओ। दो इंसेक्ट है बोन्स, किसने पढ़ा था? दो इंसेक्ट है बोन्स। नो सर। अपने फिंगर में बोन है? यस सर। डिफरेंस है या नहीं है? सर है। चलो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हेटरोट्रॉफी होते हैं और खुद से कुछ तो होते हैं, खुद खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ कमी होती है, उनको कहीं रुकने की जगह चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, है ना, और कुछ तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, कुछ होता है ना। अच्छा पहले एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी आपने देखा होगा भैंस की पीठ पर, देखा होगा कौवा बैठा रहता है और भैंस की पीठ पर में बहुत सारे कीड़े होते हैं, ये जो क्या बोलते हो जू जू बोलते हैं ना, लाइस है ना, वो भैंस को नुकसान पहुंचाता है, उसके स्किन को पेनिट्रेट करके खून चूसता है उसका है, लेकिन कौवा बैठ जाता है और उसको खा लेता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है ना। यस सर। यस सर। दो मिनट में बनाया ना, इनको बोलने देना बेटा, अनुभा एंड वेदांत, है ना, तो दोनों को ही फायदा हो रहा है इसमें। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों दूसरे को हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन। द लिविंग टूगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट and help each other in obtaining food is called symbiosis and such plants are known as symbiotic plants. Example है lichen. Lichen में दो partners साथ में रहते हैं, alga and fungus. ठीक है, some organisms live together. तुम्हारे book का point है, मैं book में दिखा दूंगा आपको। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. रहने के लिए जगह और nutrients. This relationship is called symbiosis. अगर वो पसंद नहीं है तो ये वाला लिख लो, हल्का लग रहा होगा आपको तो, symbiosis को बोलते हैं। ठीक है बेटा, और symbiotic relationship, it is also called mutualism. For example, certain fungi live inside the roots of plants. ये plant के root में रहते हैं। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. देखा आपने? दूसरा example इसी का है, lichens, है ना? In lichens, a chlorophyll-containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus क्या करता है? Fungus provides shelter, water and minerals to the alga. और alga क्या करता है? Alga is green. It contains chlorophyll, so it prepares food and gives it to the fungus. As well as या दाल देते हैं, एक नाम बताओगे जिनसे हमें ऑयल मिलता है या दाल मिलता है, पल्स दाल खाने के लिए मिलता है, बोलो एक प्लांट का नाम बोलो जिससे हमें ऑयल मिलता है, तेल निकालते हैं जिससे हमें सीड से, जल्दी बोलो। कोकोनट। कोकोनट ठीक, कोकोनट तो बहुत बड़ा ट्री है। ठीक है, दूसरा और ऑयल इधर जो हम लोग यूज करते हैं घरों में खाना पकाने के लिए, मूंगफली, मस्टर्ड, मूंगफली, ग्राउंड नट सर, मस्टर्ड, सोयाबीन, तो क्या होता है बेटा? अच्छा दाल का नाम बताओ जिसे दाल मिलता है हमें, दाल मूंग चना तुअर, है ना, तो इनकी जो रूट होते हैं यहाँ से देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं तो हमें ऑयल देते हैं और दाल देते हैं। प्लांट्स विच गिव अस पल्सेड एंड ऑयल दे आर कॉल्ड राइजोबियम, सॉरी दे आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स, और लेग्यूम्स बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। अब जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट को देखिए ध्यान से, अगर आसपास तुम्हें भी कोई सरसों का पौधा उगा हुआ मिले
या मूंगफली का पौधा होगा मेरे, नहीं तो खुद लगा देना गमले में, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको उखाड़ के उसके रूट को ऑब्जर्व करना, उसमें छोटे छोटे गांठ मिलेंगे, गोल गोल सोलन स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स, और इस नोड्यूल्स के अंदर में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिल गई रूट नोड्यूल्स में, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, इसे फूड भी लेता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खुद लेता है और उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और प्लांट को इस तरह से नाइट्रोजन सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन 78% है एयर में, पढ़ा है 6 क्लास में, लेकिन ये हमारा किसी काम का ना है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को ना हम यूज कर सकते हैं ना प्लांट यूज कर सकते हैं, जब तक ये नाइट्रोजन अपने कंपाउंड में नहीं बदले, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन सारे फॉर्मूला में 2 क्यों लगा देते हैं, सारे नहीं लगता है। ठीक है, इसमें दो आइटम कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन में 2 का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन का ये मतलब इन नाइट्रोजन, टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, नाइट्रोजन अकेला स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो दो एटम नाइट्रोजन का साथ मिलकर के सब स्टेबल हो जाता है, इस तरह से बनाता है। ऐसे कार्बन अकेला स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, या तो एक ऑक्सीजन को बुला लेगा और उसके साथ मिलकर कंबाइन होकर रहेगा, या दो ऑक्सीजन मिला कंबाइन होकर साथ में रहेगा तो कंपाउंड बन जाता है, या तो मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड बन करके। एटम्स आर अनस्टेबल, एटम्स अकेले नहीं रह सकते, या तो वो कंबाइन करते हैं खुद के एटम से या विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड दे फॉर्म आइदर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन को राइजोबियम क्या कर रहा है, सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब और प्लांट आराम से उसको ले सकता है। इस तरह से किसान होता है वो अपने खेतों में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फॉर्म में डालता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ताकि वो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है, फिर तो प्लांट का रूट ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस है बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, और इन दोनों के सहयोग से देखो कितना अच्छे से ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। So, listen, the bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But rhizobium cannot make its own food. So, what happens? It lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes. Inko leguminous plants bolte hain, legumes bolte hain. Inko bolte hain, those plants which give us pulses or oil. Theek hai? और उसके रूट में रहता है ये, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस दे हैव अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप और सिंबायोसिस। कितना अच्छा एग्जांपल है ये, और इससे क्या फायदा होता है, जो किसान ऐसा काम कर लेता है उसके लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है और उसको फर्टिलाइजर का पैसा बच जाता है। और इस तरह से कुछ किसान तो जानबूझकर ऐसे पौधे जानबूझकर खेत में लगाते हैं इन बिटवीन टू क्रॉप्स, जैसे धान को धान उगा लिया तो बीच में कोई चना या मटर या मूंग या मसूर ये सब लगा देगा और फिर गेहूं को लगाएगा, तो जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी खेत में से वो फुलफिल हो जाता है। अभी तक समझ रहे हो, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, एक ही क्रॉप को बार बार फिर किसान नहीं उगाता, अल्टरनेट उगाता है और बीच में एक लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर लेता है। कुछ लेग्यूम्स होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही किसान उगाता है खेत में और उसको अपने जानवरों को खिला देता है, लेकिन वो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब देखो ये तुम्हारे बुक में नहीं, जरूरत नहीं है, ये एनिमल में बता रहा हूँ, माइटोसिस इन एनिमल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो एक क्रोकोडाइल दिख रहा है और एक थोड़ी फिश, यस सर, यस सर, सेकंड चैप्टर का ना? नहीं भैया, जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा ये, पूरा सुनते तो हो नहीं। तो ये जो क्रोकोडाइल है बेटा, ये तो इट्स अ कार्निवोर है, ये मांस को खाता है, लेकिन जब मांस को खाता है ना तो इसके दांत में मांस के टुकड़े फंसे रहते हैं। ये चिड़िया आराम से इसका ये मुंह खोल लेता है और ये भी आराम से खोल लेता है, क्योंकि उसको छुटकारा पाना है, सफाई नहीं कर पाता है अपने दांतों की,
चिड़िया आराम से बैठ करके इसके दांतों के बीच में से मांस को निकाल कर खाती है, तो दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं, बोलो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, है ना। ऐसा लगता होगा कि चिड़िया बंदर गई तो खा ही जाएगा उसको, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मालूम उसको कि हमें हमारी भलाई के लिए आई है ये। ऐसे देखो ये भैंस है या दूसरे जानवर, गाय वगैरह के पीठ पर कौवा दूसरे पक्षी बैठे रहते हैं और इनके पीठ पर के जो कीड़े होते हैं ना, जो इसको काटते हैं, इनका खून चूसते हैं, उनको खाकर इनको छुट्टी दिलाते हैं और दोनों को फायदा होता है। ठीक रहा सर, इनमें तो उन्हीं लोगों का फायदा हो रहा है। और देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, सिम्बायोसिस को। इसमें देखिए दोनों ही बेनिफिट होता है, इसके लिए बटरफ्लाई या दूसरे इंसेक्ट भी लिखना पड़ेगा कॉपी में। फ्लावर पे घूमते रहते हैं, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, लेकिन ये इनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इनके पॉलेंस को ट्रांसफर करते हैं, जिससे इनमें सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों बेनिफिट हो रहा है। सर ये भी लिखना है कॉपी में? नहीं, ये जो दो दो ऑर्गेनिज्म साथ मिलकर रहते हैं ना, जो मैंने बताया था अपने न्यूट्रिशन के लिए, इनमें तीन तरह के होते हैं बेटा। एक म्यूचुअलिज्म हो गया, दूसरा कॉमेंजलिज्म कहलाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये, है ना। अगर साइंस क्विज होगा तो पूछा जाएगा ये सब। कॉमेंजलिज्म बोलते हैं, जो शार्क मछली है इसके साथ में ये रिमोरा फिश होती है, इसके सिर पे एक जैसे तुम होता है ना आजकल एक पेज आती, खूंटी आती है और दीवार पर रख के घुमा दो तो वहां चिपक जाता है, देखा होगा आपने, है ना बेटा। जैसे छिपकली भी क्या करती है, अपना पैर अगर दबा देती है दीवार पे तो चिपक जाती है, क्योंकि वहां की हवा निकल जाती है, है ना। इस तरह से रिमोरा फिश के सिर के ऊपर में छोटे छोटे ऐसे होते स्ट्रक्चर होते हैं, उनके थ्रू ये शार्क में चिपक जाते हैं। जब शार्क आगे चलती है तो शार्क अपना शिकार करती है, ये कार्निवोर है, ब्लू व्हेल टोटली ऑन आई है, हर्बीवोर है, लेकिन शार्क ये मछली है तो ब्लू व्हेल को मार डालती है। तो जो भी ये खाती है ना, अब जो चीज छूट जाता है इसके मुंह से, वो सब ये अपने आप खाते रहती है, चिपकी रहती है, खाती रहती है। तो इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को बेनिफिट नहीं होता, लेकिन लॉस भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, इसको बोलते हैं कॉमेंजलिज्म। ठीक है, इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है दूसरे का। और ये पैरासिटिज्म, इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को और बीमारियां लेके जा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे मच्छर, मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, ये हमारा खून चुके जा रहे हैं और साथ में मलेरिया का पैरासाइट हमें छोड़ के जाएंगे हमारे ब्लड में, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और वो हमें से मलेरिया बीमारी लेके जाता है। और कई सारे एग्जाम्पल और भी हैं, आपने देखा होगा लीच होता है, लीच वो जानवरों के, या आप गंदे पानी में जाओ तो आपके पैर तलवे में घुस जाएंगे और आपका खून चूसेंगे, है निकालने के तरीका है नमक डाल दो, तो वो नमक डालने से उनको बहुत जलन होती है, वो आपको छोड़कर बाहर निकल आएंगे, है ना। अच्छा तो लीच थेरेपी भी आ गई है, गंदा खून शरीर से निकालने के लिए कई डॉक्टर्स जो होते हैं नेचुरोपैथी यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका जैसे मैंने बताया लास्ट पार्ट था। अब थोड़ा सेल के बारे में और जान लीजिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लाइफ प्रोसेसेस, whether it is न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट इज कोऑर्डिनेशन और एक्सक्रेशन, ये सब सेल के थ्रू ही होता है बेटा, है ना। सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिंगल सेल सारा काम कर लेता है, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम, एंड टुगेदर द होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन। तो ये सेल ध्यान से देखिए, ये एनिमल सेल है, दिख रहा है आपको, बोलो भाई। यस सर। और ये प्लांट, यस सर। तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट जो होगा ना, सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, बोलो, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ऑर्गेनेल बोलते हैं, इनमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल है इसमें स्टोर करने के लिए, वेस्ट को स्टोर करना है, पानी स्टोर करना, इसके काम में आते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये सारा डिसीजन ही लेता है कौन सा चीज सेल के अंदर आएगा, क्या सेल के बाहर निकलेगा। फिर न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है,
मेरी आंखें बहुत सुंदर है, जितने भी ट्रेड्स हमारे हैं, मेरे कान चिपके हुए हैं या अलग हैं, ये सारे के सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है हमारे बॉडी में, न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोजोम के ऊपर होता है, और वो जीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा आपने, जीन्स में चेंजेस ला करके हम उनमें कई नई तरह की प्रजातियां बना रहे हैं। कई बार जेनेटिक चेंजिंग हमारे ज्यादा धूप में रहने से या पॉल्यूशन चलते भी हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज द मास्टर ऑफ द सेल, सारे दशे नहीं लेता है। और अदर हैंड प्लांट सेल में देखो तो इसमें न्यूक्लियस बेचारा तो बाहर रह जाता है, वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि प्लांट कहीं इसमें वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और ढेर सारे होते हैं, इसमें एक ही या दो ही वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और न्यूक्लियस यहाँ पर देखो। लेकिन इसका सबसे आउटर पार्ट रो क्या है, कौन बताएगा, क्या लिखा है यहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर पार्ट, सबसे बाहर में कौन है? सेल वॉल, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है लेकिन पोरस होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है। और ये है सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा, है ना, प्लांट की तरह इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ देखो क्लोरोप्लास्ट है जो इसमें नहीं था, था इसमें Each and every part of the plant, we are made up of cells. Each part of our body, it is made up of cell. हर पार्ट में सेल है, ठीक है? सेल फाइन होकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू इंटू ऑर्गन, ये हाथ एक ऑर्गन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। स्किन के ऊपर एपिथेलियल सेल होते हैं, जरूरी है, क्योंकि सेल ही सारा फंक्शन करता है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर, चाहे वो एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, अल्टीमेट काम करने वाला कौन है, सेल है। सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए आपको बहुत सारे फंक्शंस करते रहने पड़ते हैं, उन सब के लिए सेल होते हैं, और अलग अलग तरह काम करने के लिए अलग अलग तरह के सेल होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन को ले जाना और लाना, ये काम किसका है, नर्व सेल का, न्यूरॉन उसको बोलते हैं। जैसे अभी आप अचानक चल रहे हो रास्ते में, एक पत्थर के ऊपर तुम्हारा पैर चला जाए तो तुरंत चीखते हो और पैर को बाहर खींचते हो, इसमें न्यूरॉन का रोल है, न्यूरॉन ही आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ब्रेन फिर आपके पैर के दूसरे ऑर्गन्स को कहेगा कि आप बाहर खींचो, चिल्लाओ, समझो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है बेटा, तो ये सेल समझ गए आप, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब आप अपने बुक को देखिए, थोड़ा बुक को देखो, टाइम इज ओवर ऑल्सो, अपना क्वेश्चन आंसर्स लिख ले कॉपी में। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर आपको करना है, न्यूक्लियस इम्प्लांट्स, है ना, और अच्छे से पढ़िएगा। सर जो आप, सर हमें वो कॉपी में लिखना जो आपने आज दिखाया था, स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने आपको नोट्स बनाने हैं, एडिटिंग करना है, जो मैंने दिखाया सब वो सब खाली कॉपी में लिख दो, नोट्स बनाइए अच्छे से, और डायग्राम बनाइए, और फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये सारे हाउ यू हैव लर्न, मेन पॉइंट सबको पढ़ना है, पढ़कर समझने जो नहीं है तो पूछना मुझे अगले क्लास में है, ठीक है सर? नोट, सर नोट्स और क्वेश्चन आंसर एक ही कॉपी में लिखने हैं? हाँ जी, नोट्स क्वेश्चन आंसर एक ही कॉपी में, सिंगल कॉपी बनेगी साइंस की, है ना, एक रफ कॉपी रख सकते हो ऐसे कुछ भी लिखने के लिए, है ना। ये देखिए, इसको आपको करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले क्लास जब शुरू होगा तो थोड़ा सा अगर आप पूछना चाहोगे क्वेश्चन आंसर तो पूछ लेना, है ना, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। सर अपन अगली क्लास में अपन वो डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप खुद पहले करने कोशिश की, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपसे नहीं होगा तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है, ओके माय डियर, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर किसी के पास बुक नहीं है तो? बुक नहीं है, तुम लोग तो आधे सुनते आधे सुनते नहीं हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बुक भेजा है चैप्टर नंबर 1, आज मैं चैप्टर नंबर 2 भी भेज दूंगा, मुझे नहीं मिला क्या?
नाम बोलो अपना। सर संदीप। संदीप जी मैं दोबारा भेज दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम्हें नहीं मिला तो आज देख लेना दोनों चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों भेज दूंगा मैं, ठीक है। व्हाट्सएप देखते हो आप, स्टूडेंट ग्रुप भी तुम्हारा है? नो सर। तो नहीं देखते हो उसे देखा करो, उसे सब मिलेगा तुम्हें जिसमें हम वीडियो भेजते हैं। अभी पढ़ाई हो गए ना, आज आज रात तक या कल सुबह तक आपको वीडियो चलाया जाता है, क्यों बेटा कोई बताओ? यस सर। हाँ संदीप को थोड़ा बताना, संदीप ट्राई टू नो फ्रॉम फ्रॉम फ्रेंड्स, ओके विल कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पर, ठीक है बेटा। मैं दूसरा क्लास में मेरा है Sairam sir, thank you sir, Sairam sir, thank you sir, Sairam sir.